हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। गाइस, आज हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का यूनिट 4। इससे पहले 3 यूनिट की वीडियोस बन चुकी हैं, आई होप आप सब लोगों ने देखी भी होंगी। तो आज लास्ट यूनिट है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, और इसके बाद ये सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे कल से। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं यूनिट 4, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, थोड़ा ब्रश अप करेंगे मेन डेफिनेशंस जो हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज पे आएंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए थोड़ा सा समझना। कल्चर देख ले, ज़्यादा कुछ है नहीं यूनिट 4 में, 2-3 मेन चीज़ें हैं जो आपको समझना है, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट 1, 2, 3 में आप काफ़ी हद तक सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो यूनिट 4 में उन सब में से ही थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीज़ें ली हुई हैं। कल्चर के बारे में है, डेमोक्रेसी के बारे में है, इनइक्वालिटीज़ के बारे में है, तो वही थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। कल्चर आप सबको वैसे तो पता ही है कल्चर क्या होता है। कल्चर इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन बिलीव्स, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर एंड ऑल एकेडमिक मॉरल रिलीजियस। देखिए, हमारे उठने बैठने का, खाने पीने का, हमारा जितना भी हमारे सोसाइटी में जिस तरह से हम जीते हैं, हमारे सोचने का, हमारे चीज़ों के काम करने का जो भी तरीका है, उसको हम बोल देते हैं कल्चर। कल्चर इट इंक्लूड्स वेज ऑफ ईटिंग, ड्रेसिंग, लिविंग, रिलीजियस एंड साइंटिफिक बिलीव्स, सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशंस एट्सेट्रा। ठीक है, इट्स अ वेरी वाइड टर्म। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन, जो मेन हमारा टॉपिक है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कि कल्चर का एजुकेशन पे क्या, कहाँ पे इन्फ्लुएंस आता है। देखिए, इन सब चीज़ों में इन्फ्लुएंस रहता है, करिकुलम में, स्कूल्स में, टीचर, टेक्स्ट बुक्स। करिकुलम हमारा किस पे बेस्ड होता है? कल्चर पे बेस्ड होता है। जिस तरह के कल्चर है हमारा, हमारी सोसाइटी का, हमारे आसपास का, हमारे देश का, उसी के ऊपर करिकुलम बेस्ड रहेगा। स्कूल्स में भी कल्चर का बहुत इफेक्ट रहता है, टीचर के ऊपर भी कल्चर का इफेक्ट रहता है। टीचर को कल्चर की नॉलेज होगी तभी टीचर आगे अपने स्टूडेंट्स को दे पाएगी। टेक्स्ट बुक्स हमारी कल्चर के अकॉर्डिंग बनती हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को कल्चर की नॉलेज रहे, उसी के हिसाब से करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। एजुकेशन का क्या इन्फ्लुएंस है? ट्रांसमिशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, कल्चर को किस तरह से हम आने वाली हमारी जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन तक हम कैसे ट्रांसमिट कर रहे हैं। ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हम कल्चर को प्रिजर्व भी कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, कहीं पर अगर चेंजेस की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम देखिए हर चीज़ में चेंज आया है। पुराने ज़माने में लोग जिस तरह से रहते थे, सोचते थे, उनके काम करने का तरीका और आज के काम करने के तरीके में काफ़ी फ़र्क है, उनके सोच में, उनके पहनावे में, उनके खान पान में जो चेंजेस आते रहते हैं, डिज़ायर वो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, उसमें भी एजुकेशन का रोल है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन से हमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में नॉलेज मिलती है, तो उससे हमारी पर्सनैलिटी पर भी काफ़ी असर पड़ता है। तो ये था कुछ इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन ऑन कल्चर। उसके बाद हम देख लेते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स अ वे ऑफ लिविंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कम्युनिटी दैट हैज़ यूनिटी इन इट्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स। देखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ पॉलिटिकल साइड में ही नहीं होती, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एस्पेक्ट्स सब चीज़ों में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मीन्स कि सबको अधिकार मिलना चाहिए, सब लोगों के पास बराबर का अधिकार होना चाहिए। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या है, लोगों के पास अधिकार होता है अपनी सरकार को चुनने का। ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल हैव द अथॉरिटी टू चूज देयर गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की कुछ ही लोगों के पास इकोनॉमिक मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, कि कुछ ही जो देश को चला रहे हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हीं के हाथ में सारी इकोनॉमिक पावर हो। ये सबके पास बराबर होना चाहिए, सब सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, कि कोई किसी पे इतना ज़्यादा निर्भर ना रहे। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जो हालांकि अभी नहीं है हमारे देश में। कुछ लोग जो अमीर हैं, बहुत अमीर हैं, जो गरीब हैं वो बहुत गरीब हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आना भी बाकी है। सोशल डेमोक्रेसी, कि सबको, जितने भी जाति के लोग हैं, कुछ लोअर कास्ट हैं, कुछ अपर कास्ट हैं, कुछ एसटीएससी जो भी हैं, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए हर चीज़ में। सोशल डेमोक्रेसी भी होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ था डेमोक्रेसी के ऊपर। अब इनइक्वलिटी, ये सब चीज़ें आपस में देखिए इंटर रिलेटेड है। डेमोक्रेसी, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए, जात पात, रंग भेद कुछ भी नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए हर चीज़ों के। द अनफेयर सिचुएशन इन सोसाइटी व्हेन सम पीपल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज
देन अदर पीपल, ठीक है। कुछ लोगों के पास कुछ लोगों से ज़्यादा अधिकार हो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके पास बराबर के अधिकार होने चाहिए। यूनाइटेड नेशंस डिस्क्राइब्स इट इवन मोर सिंपली एज अ स्टेट ऑफ नॉट बींग इक्वल स्पेशली इन स्टेटस राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। सबके पास बराबर का स्टेटस राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए। इनइक्वलिटी का मतलब है इक्वलिटी नहीं है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, सबके पास इक्वलिटी होनी चाहिए। कॉजेज ऑफ इनइक्वलिटी क्या है? इन एजुकेशन स्पेशली क्लास डिफरेंसेस, ठीक है। कोई हम मानते हैं कि कोई अपर क्लास है कोई लोअर क्लास है, ऐसा होना नहीं चाहिए। एजुकेशनल इम्बैलेंसेस, ठीक है। एजुकेशनल इम्बैलेंस आप देखेंगे किसी एरिया में तो बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी एजुकेशन की, कुछ एरियाज में आपको नहीं मिलेंगी, कुछ रूरल एरिया में चले जाओगे वहाँ तो और भी कम मिलेंगी। तो एजुकेशनल बैलेंस होना चाहिए हर जगह, डिफरेंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। पूरे इंडिया में एक ही एजुकेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक ही करिकुलम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी स्कूल में तो बिल्कुल ही लो स्टैंडर्ड से पढ़ाई हो रही है और किसी में बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, तो उस वजह से इम्बैलेंसेज आते हैं। ऑल इंडिया में एक तरह का स्टैंडर्ड होना चाहिए सभी स्कूल्स का। डिस्पैरिटी इन बॉयज़ एंड गर्ल्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ नहीं होनी चाहिए कि कोई गरीब है अमीर है, ठीक है, गरीब को हम एडमिशन नहीं देंगे अमीर को देंगे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कि कारण है इनइक्वलिटी का। इक्विटी, ठीक है, इक्वलिटी तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। इक्विटी क्या है? इक्विटी इन एजुकेशन रिक्वायर्स पुटिंग सिस्टम्स इन प्लेस टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सक्सेस, ठीक है। इक्विटी का मतलब है कि हर बच्चे को इक्वल चांस मिलना चाहिए और उसके लिए हम ऐसे सिस्टम्स बनाएं कि बच्चों को फेयरली चांस मिले ताकि वो आगे आ सकें और सक्सेसफुल हो सके, ठीक है। दैट रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिक चैलेंजेस एंड बैरियर्स फेस्ड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट्स और बाय पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग एडिशनल सपोर्ट्स टू हेल्प देम ओवरकम दोज बैरियर्स, ठीक है। हम उन बैरियर्स को पहचाने, उन चैलेंजेस को पहचाने जो बच्चों को रोक रहे हैं सक्सेसफुल होने की वजह से उनको रोक रहे हैं, तो उन बैरियर्स को हम पहचानें और उन पे वर्क करें और उनको सपोर्ट करें ताकि वो आगे आ सकें, ठीक है। जैसे हम रिजर्वेशन कुछ सिस्टम्स लेकर आए थे ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको हम ऊपर ला सकें, जो काफ़ी हद तक हुआ भी है, है ना। नेक्स्ट अब MCQs देख लेते हैं। कुछ बेसिक्स थी बात थी ये जो बेसिक्स टर्म्स थी जो हमने एक बार रिफ्रेश कर लिया, तो अब आपको इजी रहेगा MCQs करना। कल्चर इज़ द सम टोटल ऑफ नॉलेज बिलीफ आर्ट मॉरल्स लॉ कस्टम्स एंड एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये किसने कहा था, ठीक है। लास्ट टाइम भी लास्ट वीडियो में मैंने हिंदी में लिखा था, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला था कि ठीक है उनको फ़ायदा मिल रहा है हिंदी में लिखने से, तो हम ये कंटिन्यू करेंगे। तो साथ में मैंने हिंदी के क्वेश्चंस भी दिए हैं, हिंदी वाले हिंदी को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये किसने कहा था, कल्चर इज़ अ सम टोटल ऑफ नॉलेज बिलीफ आर्ट मॉरल लॉ कस्टम्स, ये टाइलर ने कहा था, ठीक है। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज आइडेंटिफाइज एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ कल्चर, ठीक है। डिफाइनिंग फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं कल्चर का। कल्चर इज़ ट्रांसमिटेड, कल्चर इज़ लर्न, कल्चर इज़ शेयर्ड, कल्चर इज़ सिम्बॉलिक, ये सभी है, ठीक है। ये सारे ही करेक्टरिस्टिक्स हैं कल्चर के। कल्चर को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, कल्चर को हम लर्न करते हैं, कल्चर को हम शेयर करते हैं, कल्चर को सिम्बॉलिक हम सिम्बल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बॉलिक में हमारी लैंग्वेज आ जाती है। तो लैंग्वेज इज़ अ बिग पार्ट ऑफ योर कल्चर, ठीक है। तो ये सभी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कम्पोनेंट ऑफ कल्चर, ठीक है। कम्पोनेंट ऑफ कल्चर, कल्चर का कम्पोनेंट नहीं है। कल्चर के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारी बिलीव्स, वैल्यूज, साइंस, डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, डेवलपमेंट नहीं है, बाकी सब चीज़ें आती हैं। कल्चरल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, जो अभी हमने पढ़ा, कल्चरल इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन किस किस पे होता है, करिकुलम, स्कूल, टीचर, टेक्स्ट बुक, इन सभी में होता है, ठीक है। मतलब मैंने इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं ताकि आपको बेसिक आइडिया आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, क्वेश्चन कुछ उलट पुलट करके भी आ सकता है, कुछ डिफरेंट तरीके से भी आ सकता है। तो लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता रहेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। व्हेन वाज डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इट वाज इन 1950, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके बाद ही डेमोक्रेसी आई थी, इन 1950। द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी इज, डेमोक्रेसी का सबसे ज़रूरी आउटकम क्या है, परिणाम क्या है,
इट प्रोवाइड्स अकाउंटेबिलिटी टू सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स के हाथ में बहुत बड़ी पावर आ जाती है अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं. डेमोक्रेसी इन एजुकेशन मीन्स एजुकेशन इज़ द बर्थ राइट ऑफ ऑल. ठीक है, एजुकेशन में डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? नो डिस्टिंक्शन, कहीं भी कुछ डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कुछ भेदभाव नहीं होना चाहिए, एजुकेशन सबका अधिकार है. ये हेल्प करती है बच्चों के ऐसे माइंडसेट बनाने में कि वो सोशल चेंज ला सकें, जहाँ पे भी ज़रूरत हो वहाँ पे सोशल चेंज ला सकें. ठीक है, तो डेमोक्रेसी इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इन एजुकेशन. एफर्ट्स मेड इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ इक्वालिटी एंड इक्विटी इन एजुकेशन. ठीक है, कहाँ कहाँ एफर्ट्स करी गई हैं ताकि इक्वालिटी और इक्विटी ला सके एजुकेशन में. कॉमन स्कूल सिस्टम होना चाहिए, रिजर्वेशन हम लेकर आए थे इस डिस्पैरिटी को हटाने के लिए, यूईक हम लेकर आए थे यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की सबके पास अधिकार हो पढ़ने का, वोकेशनलाइजेशन, वोकेशनल कोर्सेज हम लेकर आए थे. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने कुछ करी थी इक्वालिटी और इक्विटी के लिए. Which of the following explains the term economic development से क्या मतलब है? Improvement in the technology involved, improvement in production, improvement in, देखिए इन सब कुछ, या production, distribution, ये सब चीज़ें हमारी बढ़ेंगी, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो economic development तो अपने आप ही होगा. ठीक है, aim of education for economic development, economic development का aim क्या है? aim of education for economic development, ठीक है, नॉलेज एम, जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे चीज़ों से, जितने ज़्यादा हमारी नॉलेज बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हम हेल्प कर सकेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. वोकेशनल एम, वोकेशनल कोर्सेज भी हेल्प करते हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. साइंटिफिक डेवलपमेंट एम, कि साइंटिफिक तरीके से सोचे, साइंटिफिक सोच की तरफ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ, तो इन सब चीज़ों से हेल्प मिलती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. वॉट इज़ वन एडवांटेज ऑफ वोकेशनल एजुकेशन ओवर ट्रेडिशनल एजुकेशन? वोकेशनल एजुकेशन क्या है? वोकेशनल मतलब हम बच्चों को कुछ ऐसी स्किल्स सिखाएं जो उनको जॉब में हेल्प करे. ठीक है, खाली हम थ्योरेटिकल पे ही ना जाएं, उनको प्रैक्टिकल, उनको कुछ ऐसी सीख दें कि जो उनको प्रैक्टिकली जॉब में, जॉब पाने में आसानी हो. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि क्या एडवांटेज है वोकेशनल एजुकेशन का? इट ओनली प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर ब्लू कॉलर जॉब्स, इट प्रोवाइड्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग फॉर जॉब्स दैट आर इन डिमांड. ठीक है, मेन चीज़ यही है कि आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिले ऐसी जॉब्स की जो डिमांड में है, ताकि आपको ईजिली जॉब मिल सके. ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट वोकेशनल एजुकेशन? क्या सही नहीं है? वोकेशनल एजुकेशन हेल्प्स यू गेन इन टेक्निकल ट्रेनिंग, सही है. वोकेशनल एजुकेशन हेल्प्स यू गेन एक्सपर्टीज इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वो भी सही है. वोकेशनल एजुकेशन हेल्प्स यू इन फाइंड अ जॉब फास्टर, वो भी सही है. वोकेशनल एजुकेशन टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू फिनिश देन अ ट्रेडिशनल कॉलेज, ऐसा तो कुछ नहीं है. ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि लॉन्गर टाइम लेता है वोकेशनल एजुकेशन का कोई कोर्स, वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं. तो डी इज़ नॉट करेक्ट. सोशल चेंज इज़ बेस्ट डिफाइंड एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ. सोशल चेंज का मतलब क्या है? हमारा कल्चर में, जिस तरह के कल्चर में रहते हैं, जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, उसमें जो चेंजेस आते हैं बेसिकली वही हमारा सोशल चेंज है. ठीक है, फैक्टर्स इफेक्टिंग सोशल चेंज, क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं सोशल चेंज को? इकोनॉमिक फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, साइंटिफिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स. ठीक है, आपके पास इकोनॉमिक पावर आएगी तो आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोसाइटी में, आपके कल्चर में, आपके रहने सहने में, खाने पीने में, सब चीज़ों में चेंजेस आएंगे. आप जिस तरह के एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे भी ज्योग्राफी में हमारे कॉन्टिन्यूस कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो जो ज्योग्राफिकल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं. साइंटिफिक फैक्टर्स हैं, साइंस ने सब कुछ चेंज किया ही है. ठीक है, पहले हम किस तरह से काम करते थे और आज किस तरह से हमारी सोच है, तो साइंस का उसमें काफ़ी तक का हाथ है. तो ऑल ऑफ दीज है इसमें. Why do we need technology integration to revolutionize the learning process, to equip students with 21st century skills, to create interest in learning? Technology integration का मतलब है कि technology को हम अपने education में लेकर आ रहे हैं किसी लिए, learning process को revolutionize करने के लिए, उसको सीखने के लिए, उसको better understanding के लिए, skills पाने के लिए, 21st century के skills students, ताकि ज़्यादा skills सीख सकें, to create interest डेवलप करने के लिए, तो सभी कुछ है ये. ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर है. अच्छा, अब आर्टिकल 16 रेफर्स टू व्हाट?
आर्टिकल 16, ये कुछ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 16 रेफर्स टू इक्वालिटी इन रिलीजन, इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इन एजुकेशन। 20 का सही आंसर है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी होना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो इक्वालिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज आर्टिकल 16। आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, ठीक है, आर्टिकल 29। तो ये थे कुछ आर्टिकल 14, मैंने आपको अच्छे से लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था, फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए 6 से 14 साल तक के बच्चों को। तो कुछ आर्टिकल्स हैं वो आप लोग पढ़ लेना, बुक में भी काफ़ी आर्टिकल्स दिए हुए हैं, बट कुछ कुछ मेन मेन आर्टिकल्स हैं जो थोड़ा आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये था यूनिट 4 का वीडियो, ठीक है। अभी जल्दी हम एक नए सब्जेक्ट पे बात करेंगे, मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा सब्जेक्ट आप देखना चाहते हैं। 2 सब्जेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो देख सकता है, मेरे चैनल में सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। सो जल्दी ही मिलेंगे गाइस एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।